हेलो दोस्तों, मैं धीरन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2021 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बैंकिंग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, जनवरी से जून 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक ने सौर रूफ टॉप परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 100। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने भारत के रूफ टॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। यह योजना MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को रूफ टॉप सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी। किसने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया है? सही आंसर है दोस्तों हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस बैठक में भाग लिया। यह पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक थी जिसका आयोजन इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य परिवर्तनकारी और न्यायसंगत वसूली के लिए नीतिगत कार्यों पर चर्चा यहां पर की गई। किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया? राइट आंसर है दोस्तों SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 11 करोड़ रुपए का दान दिया। SBI ने यह घोषणा भी की कि उसके लगभग 2,56,000 कर्मचारियों ने 2 दिनों के वेतन को पीएम केयर्स कोष योगदान में करने का निर्णय लिया है, यानी कि दान करने का निर्णय लिया है। भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा, निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेंगे। बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। किस बैंक ने मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। याद रखिएगा, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए HDFC बैंक ने एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्टअप जिसका नाम है उन्नति शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत HDFC बैंक की विशेषता वाली फैमिली के साथ सीनियर महिला लीडर्स अगले एक वर्ष में अपने लक्ष्य को हासिल करने में महिला उद्यमियों को सलाह देंगी। किस बैंक ने बियर एंड पे कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका एक्सिस बैंक। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक ने एक नए ब्रांड बियर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरण की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपए की शुरुआती कीमत से उपलब्ध हैं। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश को 200 मिलियन डॉलर प्रदान किए? राइट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित कम आय वाले शहरी युवाओं और प्रवासियों को जिन्हें अनैच्छिक रूप से वापस लौटना पड़ा उनकी सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए बांग्लादेश को 200 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। राइट आंसर है इसका SBI। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों,
याद रखिएगा, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में। बात करते हैं यहाँ SBI की, तो इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 में। किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PNV कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। PNV कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड 16 मार्च 2021 को रजिस्टर ऑफ कंपनीज दिल्ली द्वारा निगमित किया गया है, यानी कि बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार SBI के डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों 7%। याद रखिएगा, COVID-19 महामारी के दौरान ई कॉमर्स को अपनाने से भारतीय स्टेट बैंक के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लेन देन में 60% से 67 यानी 60% से 67% की वृद्धि हुई, यानी कि आप कह सकते हैं 7%। ऋणदाता के डिजिटल ऋण देने वाले मंच योनो ने भी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। एशिया मनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक किसे चुना गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया। यह पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है। RBI ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, RBI के अनुसार महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी और ना ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका फेडरल बैंक। दोस्तों फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की। खाता बच्चों को स्वास्थ्य बचत एवं खर्च करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है इसका एक्सिस बैंक। याद रखिएगा, डिजिटल भुगतान मंच फोन पे ने घोषणा की है कि उसने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी यानी कि भागीदारी की है। साझेदारी फोन पे उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के हैंडल के साथ कई UPI ID बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगी। किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। दोस्तों भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करना जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौरान उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देता है। एशियाई विकास बैंक ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका 100 करोड़। दोस्तों एशियाई विकास बैंक COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए अस्पताल की श्रृंखला जिसका नाम है मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण देने की इसने घोषणा की है। यह परियोजना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, बुनियादी स्वच्छता उत्पाद और रोगी देखभाल उपकरण जैसे वेंटिलेटर और बिस्तर की खरीद में सहयोग देते हैं। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ICICI बैंक ने। याद रखिएगा, ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। जनवरी 2021 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की? राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहक के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की, जिसके माध्यम से बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि बैलेंस का पता करना, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस का पता करना, ये सेवाओं का लाभ वे व्हाट्सएप पर उठा सकते हैं। जनवरी 2021 में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की? राइट आंसर इसका आईडीबीआई बैंक। याद रखिएगा, आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की। दोस्तों, केवाईसी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया? राइट आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी। किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता किया, जिसके तहत जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट सेवा प्रदान करेगा, जो जीरो बैलेंस खाता होगा। किसने डॉयस बैंक पर नियम का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? राइट आंसर इसका आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई ने डॉयस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया। बात करते हैं आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर इसका यस बैंक। दोस्तों, यस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यस बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। ये स्वास्थ्य स्वय देखभाल और उपभोक्ताओं की भलाई के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। आरबीआई ने बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो ना करने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कौन ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों, 48 दिनों के लिए ब्याज मुक्त नगद यानी कि कैश देने वाला भारत का पहला बैंक बना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इस बैंक की स्थापना की गई 2015 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किस पेमेंट बैंक ने सेफ पे नामक सुविधा शुरू की? राइट आंसर है इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहक को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल रूप से भुगतान करने में एक सुरक्षित तरीका है। किस बैंक ने आउरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है एक्सिस बैंक। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने आउरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड कई स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाओं से लैस है। सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, सेबी ने एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी के अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करने के लिए इस पर यह जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, यहां से एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है सेबी का, तो याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? यहां लिखा हुआ है 19-20, लेकिन याद रखिएगा ये पुरस्कार इन्हें 2021 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है श्याम श्रीनिवासन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है?
राइट आंसर है 2 करोड़। दोस्तों आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी करने की वजह से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एचएसबीसी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा एचएसबीसी ने गुजरात के गांधीनगर के पास एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।